नमस्कार दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं बिहार के गया जिले में, जहां जिसको हम सभी लोग ज्ञान और मोक्ष की नगरी कहते हैं। प्रतिपक्ष चल रहे हैं, यहां पर महासंगम मेला प्रतिपक्ष का चल रहा है। यहां अपने पूर्वजों को मोक्ष की ओर ले जाने के लिए पिंड का दान होता है, जिसके कारण लोग पितृ मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। और यहाँ ये भी बताया जाता है कि भगवान विष्णु की ये नगरी है, यहाँ स्वयं विष्णु भगवान पितृदेवता के रूप में विराजमान है। तो यहाँ जो फल्गु नदी है, उसके किनारे लोग अपने अपने पूर्वजों का पिंडदान करते हैं और उनको मोक्ष के मार्ग पर ले जाते हैं। हम आपको बता दें कि हम लोग भी अपने पूर्वजों के पिंडदान करने के लिए, उन्हें मोक्ष के लिए यहाँ पहुँचे हैं, और यहाँ पर अपने पूर्वजों का मोक्ष के लिए यहाँ पिंडदान कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना बड़ा मेला लगा हुआ है, बहुत बड़ा विशाल पंडाल है, और यहाँ लोग आते हैं। इसके बाद यहाँ महात्मा बौद्ध का स्थल बना हुआ है, जहाँ दूर दूर से लोग यहाँ महात्मा बौद्ध जो जिनको ज्ञान प्राप्त हुआ था एक पेड़ के वृक्ष के नीचे, तो यहाँ लोग दर्शन करने आते हैं। बहुत ही विशाल काय मूर्ति यहाँ अंदर स्थापित है, और यहाँ आप देख सकते हैं कि महात्मा बौद्ध जो स्तूप बना हुआ है इनका, ये भी एक बहुत ही चर्चित स्थान है, जहाँ हम लोग यहाँ पर गए और दर्शन हम लोगों ने किए। और आप देख सकते हैं कि पीछे लगभग 80 फुट ऊँची प्रतिमा महात्मा बौद्ध की बनी हुई है, आपको नज़र आ रही होगी। और यहाँ पर हम आपको एक जानकारी और दे दें कि यहाँ लोग आते हैं, हर धर्म के लोग आते हैं और महात्मा बौद्ध के दर्शन करते हैं। इसके बाद हम लोग निकल पड़े आगे की ओर, एक वाइट स्टोन महात्मा बौद्ध का एक और मंदिर है, वहाँ देखने के लिए हम लोग ये ई रिक्शा से जा रहे हैं। आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ, जहाँ इस वाइट स्टोन बौद्ध मंदिर ये कहलाता है। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर कलाकृति आपको देखने मिलेगी, बहुत शानदार घंटे की ये कलाकृति आपको देखने मिल रही होगी। यहाँ जैसे ही जीने से चढ़ते हैं तो बहुत ही सुंदर आकृति ये बनाई गई है जीने के ऊपर, और यहाँ एक मंदिर है जो चांदी के उससे बना हुआ है, और ये ऐसा लगता है जैसे स्वर्ण पट्टिका से बना हुआ है। हम आपको बता दें कि ये जो महात्मा बौद्ध की आप लोग मूर्ति देख रहे हैं, ये भी बहुत शानदार मूर्ति है, और लोग यहाँ भी ये वाइट स्टोन टेम्पल कहलाता है जो गया में स्थापित है। और अब हम लोग निकल पड़े हैं ई रिक्शा से आगे की ओर, और आज हम लोगों का आने का वापसी का है। आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिए।